बार बार भी सरकार के द्वारा और बीपीएससी के द्वारा एक ही सीट को बार बार तीन बार TRE 1 TRE 2 TRE 3 जो है डाला गया है, जबकि जो है आधा सीट भी नहीं भरता। हमारे दिलीप भैया को पूरा लाठी से मार के उसको घायल कर दिया गया है, जूता से पुलिस ने मारा उनको, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया। हम सब जाने वाले नहीं है, जब तक उसको छोड़ेगा नहीं तब तक दिलीप कुमार जिंदाबाद। अन्याय है ये बिहार के लाखों छात्रीवाओं के साथ। देखिए ये आप देख सकते हैं, अभी आयोग पहुँच रहे हैं बीपीएससी के और बिहार सरकार के, इसीलिए हम सबका विरोध कर रहे हैं। डायरेक्ट लाठीचार्ज और नेता को मार के मार दिया गया, देखिए मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, उंगली का उंगली टूट गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। पटना के सड़कों पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो उतर गए हैं, अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन आज बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे हैं, जहाँ उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठी भी चलाई जा रही है। ये तस्वीर आपको सामने हम दिखा रहे हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो वन पोस्ट वन रिजल्ट की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। इन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं लेकिन पुलिस लाठी भी चला रही है। जी सर, पुलिस जो है हम लोग का नहीं सुनने दे रहे हैं, हम लोग को बीपीएससी ऑफिस नहीं पहुँचने दे रहे हैं, और दिलीप भैया को जो है पकड़ के ले गए हैं लोग। हम लोग का मांग है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है, और हम लोग को कुछ नहीं मांगा। एक तो डोमिसाइल लागू नहीं हुआ, तो कम से कम हम लोग को वन रिजल्ट वन कैंडिडेट लागू होना चाहिए सर। इससे लाखों छात्रों का जो है भविष्य जो है उजगार होगा। एक ही सीट को बार बार भी सरकार के द्वारा और बीपीएससी के द्वारा एक ही सीट को बार बार तीन बार TRE 1 TRE 2 TRE 3 जो है डाला गया है, जबकि जो है आधा सीट भी नहीं भरता है। यही है हम लोग का मान, जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दे और पूरे सीट को जो है हम लोग को भरे। आगे आप लोग क्या करेंगे, सरकार बात तो मान नहीं। हम लोग ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, हम लोग का बात अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग मांगना यही है कि हम लोग का मांग यही है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट चाहते हैं हम लोग। बीपीएससी कहीं ना कहीं बीपीएससी के नियत में खोट हो गया है, इसलिए बेल्ट्रन को भी दे दिया है वो डाटा पूरा, और बेल्ट्रन पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि बेल्ट्रन को डाटा दिया जाए। लेकिन आप लोग पर लाठी भी चलाई जा रही है। हाँ, हमारे दिलीप भैया को पूरा लाठी से मार के उसको घायल कर दिया गया है, जूता से पुलिस ने मारा उनको। हम लोग जब तक वो आएंगे नहीं तब लोग हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लोग बीपीएससी कार्यालय जा रहे थे लेकिन आप लोग इधर ही रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं निरंकुश शासन का बांग्लादेश जैसा हो रहा है यहाँ पे भी। देखिए, हमारा नेता दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक ईमानदार छवि का नेता था, वो हम सब के लिए लड़ते थे झगड़ते थे और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वे दिला के रहते, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया। हम सब जाने वाले नहीं है, जब तक उसको छोड़ेगा नहीं तब तक दिलीप कुमार जिंदाबाद। पता नहीं जो तानाशाही की जा रही है। हम लोग सिर्फ आयोग के सामने चेयरमैन के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें लाठी से घुसेट के इस तरह से हमको धक्का देके गिराया गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बिल्कुल तानाशाही है। देखिए, ये बच्चा मोतिहारी बेतिया से आया, रो रहा है, ये बिल्कुल छात्रीवाओं के साथ अन्याय है, ये बिहार के लाखों छात्रीवाओं के साथ। मानते हैं बीपीएससी की पारदर्शिता और प्रतिष्ठा, उसके बावजूद भी TRE 1 TRE 2 TRE 3 में भी वही गलती। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले डीवी। ये हर बार एक और नया आ गया है सर, इसमें विवाद आया कि आपने बेल्ट्रॉन को एक पूरा डेटा थमा दिया, जबकि शुरू से भी विवादित रहा है। हम लोग यही मांग करते हैं कि उस डेटा को या तो आप समर्थन बेचाया जाए उस डेटा को, या तो उसके वापस लग, आज एक TRE 1 TRE 2 में पूरे डेटा को आप लोग, हम लोग किए हैं, आप लोग पूरा समर्थन दिए, इसके बावजूद हर बार दोहराया गलती जा रहा है। हम मांग करते हैं कि बस वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले डीवी। हम लोग का बस एक ही ये मांग पूरा हो जाए, हम लोग पूरी तरह से समर्थन करें। और ये यहाँ पर बेल्ट्रॉन को जो दिया है वो भी नहीं देना चाहिए, क्या कि बीपीएससी के इतना अपने पास है, क्योंकि TRE 1 करवाया है, TRE 2 करवाया है, तो TRE 3 में क्यों बेल्ट्रॉन को दिया है? इसका मतलब भ्रष्टाचार का ये जो सबसे प्रथम कदम है बीपीएससी के और बिहार सरकार का, इसीलिए हम सबका विरोध कर रहे हैं। और भी कुछ अभ्यर्थी उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या मांग है? हम लोग सड़कों पर शांतिपूर्ण जो है हम लोग मांग कर रहे थे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, ठीक है, और हम लोग स्टार्ट ही करने जा रहे थे, अपने नेता का इंतजार कर रहे थे, और हम लोगों पर डायरेक्ट लाठीचार्ज और नेता को मार के मार दिया गया। देखिए मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, उंगली का उंगली टूट गया है मेरा, ठीक है। इस तरह से हम लोग का वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है, ये नीतीश सरकार की कुशासन की सरकार, ये जो है चलेगा नहीं। हम लोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मांग करके ही रहेंगे।
तो देखिए पटना की सड़कों पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आज उतर गए हैं और इन लोगों के ऊपर पुलिस लगातार लाठियां भी चला रही है, लेकिन ये लोग भी सड़कों पर डटे हुए हैं। बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने लोग जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को सड़क पर ही रोक दिया गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।